पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन 83वें जन्मदिन पर भी उनके भाई और बेटे के बीच 36 का आंकड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव में गठबंधन अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। खबरें आ रही थी कि शिवपाल अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय करा लेंगे या फिर गठबंधन हो जाएगा, लेकिन अभी इस पर कुछ साफ नहीं हो पा रहा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक बार फिर साथ दिखाई देंगे या नहीं। लेकिन आज उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिवस हमेशा किसी उत्सव की तरह मनाया जाता है और इस बार भी ऐसी ही तस्वीरें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन इस बार सियासी मायने बेहद अलग हैं, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में उम्मीद है कि जिस तरह से मन से खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि नौजवानों को अब आगे बढ़ना है, नौजवान जो है अब जवाब देंगे, तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव का सहारा बनकर मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से मंच पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जब 2017 में चुनाव हुए थे तो उसका जो असर था वो बहुत ही नेगेटिव सपा में जाता हुआ नजर आ रहा था, जिसका असर ये हुआ कि 2017 में समाजवादी पार्टी हार गई। इससे पहले भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी तस्वीरें सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव बन गए थे लेकिन नेता बनना अभी भी बाकी था। तो ऐसे में जो एक कोर वोटर था यादवों का, वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में अब उम्मीद है कि अखिलेश यादव चेहरा तो है सीएम का समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो रूठे हुए थे पार्टी में वो अब उनको मनाया जाएगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को रूठों को मनाना बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे में उम्मीद ये थी कि जब 2016 में परिवार बिखरा था, 2016 में जब शिवपाल यादव अलग हो गए, तो उसके बाद अब उम्मीद जागी है कि 2022 के लिए साथ साथ चाचा और भतीजे आ जाएंगे, लेकिन आज भी तस्वीरें ऐसी साफ नहीं हो पाई हैं। हालांकि कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है, सत्ता की ललक है। तो आज तस्वीरें ऐसी आई कि लखनऊ में जो जन्मदिवस था बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा था, तो शिवपाल यादव सेफई में नेताजी का केक काटते हुए नजर आ रहे थे। तो इससे साफ है कि अभी भी जो गिले शिकवे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाए हैं। परिवार बिखरा था, उसे समेटने की बहुत कोशिश मुलायम सिंह यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, और आज भी उन्होंने ये कह दिया है कि भले ही परिवार बिखरा हुआ है लेकिन हम अंदर खाने एक ही हैं। इसके अलावा आज भी उम्मीदें कायम है और उम्मीद बनी रहेगी। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक विशेषक ऐसे हैं, कुछ ऐसे जानकार हैं राजनीति के, कह रहे हैं कि जन्मदिन तो सिर्फ एक बहाना रहा है, बेटे और भतीजे को साथ मिलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बेटे और भतीजे जब साथ आएंगे तो फिर समाजवादी पार्टी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जब 2016 में परिवार अलग हुआ तो 2017 में इसका असर सबने देखा है, यूपी की जनता इसकी साक्षी बनी थी कि 2017 में क्या हुआ था। तो वही चीज अब पूरी करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, इसके अलावा धरती पुत्र उन्हें कहा जाता है। धरती पुत्र इसलिए क्योंकि एक बड़ा चेहरा, 3 बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, 1989 से 1999 तक, 1993 से 1995 तक, 2003 से 2007 तक, ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नेताजी, और बहुत ज्यादा विश्वास आम जनता को या यादवों को या फिर जो कोर वोटर है समाजवादी पार्टी का उनको साधने की भरपूर कोशिश उन्होंने की है। लेकिन जब से अखिलेश यादव आए हैं सामने, तब से एक अलग ही तस्वीर जो है वो सामने आती रहती है। कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के जो नाराज नजर आती हैं अखिलेश यादव से, तो उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश ये है, ये सीधे तौर पर मैसेज दिया जा रहा है कि भले ही कितनी भी मनमुटाव हो लेकिन उसके बावजूद भी मनभेद जो है वो नहीं हो पाया है। मतभेद बहुत है लेकिन मनभेद नहीं हुआ है, मनभेद नहीं होगा, ये मैसेज देने की कोशिश आज मंच से की है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव बेहद खुश नजर आए अपने बेटे के साथ यहां पर, लेकिन उन्हें उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि हो सकता है कि आज के दिन जो चाचा और भतीजे हैं वो साथ साथ आ जाए, यानी कि भाई और बेटा साथ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ठंडे बस्ते में ये गठबंधन जा सकता है, जिसकी कवायदें बहुत तेजी के साथ की जा रही थी। उसके बावजूद आज जो तस्वीरें सामने आई उससे ये जरूर हम कहेंगे कि भले ही ठंडे बस्ते में चीजें जा रही हैं, लेकिन एक साफ मैसेज जो है वो यहां पर मुलायम सिंह यादव ने दे दिया है कि भले ही
मतभेद बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन मनभेद नहीं हुआ है। और नौजवानों को एक खास मैसेज उन्होंने दिया कि नौजवान जो हैं अब आगे बढ़ेंगे, नौजवान जो हैं वो जवाब देंगे। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो 2017 से पहले एक कोर वोटर समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से वापस आ सकता है। MY फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी में और जो Y है इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको साधने के लिए क्या आज का जो प्रोपेगेंडा है वो काम कर पाएगा? जो आज मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है इसका असर क्या 2022 के चुनावों में देखने के लिए मिल पाएगा? 2022 में इसका क्या असर पड़ेगा? ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं और इसी को जो सवाल है इसी पर जानने की कोशिश हम करेंगे। तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि आज की तस्वीरें बहुत अलग है। उत्सव की तरह मुलायम सिंह यादव का जो जन्मदिवस है वो मनाया जा रहा है। हालांकि फिर भी चाचा और भतीजे साथ नहीं नजर आए लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। अखिलेश यादव पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और सत्ता को भी लगातार वो निशाने पर लेते रहते हैं, सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है और आगे भी हम विकास करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को विकास की राजनीति चाहिए और जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में उससे इतर हम आगे नौजवानों को रोजगार देंगे। तमाम चीजें, तमाम वादे, तमाम प्रलोभन दिए जा रहे हैं लेकिन इसका असर कितना होगा ये देखना होगा। बाप बेटे साथ साथ हैं मंच पर और इसका मैसेज जो है वो साथ में जा रहा है वो अलग ही देखने के लिए मिल रहा है। तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं, उनका परिचय भी आपसे करा देती हूं। आरके मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं सपा से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में मेरे सहयोगी दानिश भी मेरे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल कपिल जी आपसे, कपिल जी मुलायम सिंह यादव मंच पर एक बड़ा नारा कि नौजवान को अब साधने की कोशिश हम कर रहे हैं, नौजवान जवाब देगा, लेकिन ये जो मैसेज दिया है मुलायम सिंह यादव ने मंच पर खड़े होकर, क्या इसका असर 2022 में पड़ेगा? कि यूं ही जो है माननीय नेताजी को धरती पुत्र नहीं कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि वो दूरदृष्टा रहे हैं और उन्होंने जब किसी चीज का आकलन करके राजनीतिक रूप से उसको कहा है जी, तो वो घटना घटते हुए दिखी है। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नेताजी ने जो बात आज उठ करके कही है, आज हमारे देश का नौजवान, आज हमारे प्रदेश का नौजवान जो बुरी तरीके से बेरोजगारी से प्रताड़ित है, शिक्षा लेने के बाद भी दर दर भटक रहा है और उसको नौकरी का अभाव है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की कोई कमी नहीं है बल्कि योग्यता का अभाव है, यानी जिन लोगों ने उनको चुन करके, जिन युवाओं ने उनको चुन करके बैठाया था उत्तर प्रदेश की गद्दी पर, वो अयोग्य लोग थे जिन्होंने एक योग्य मुख्यमंत्री चुनकर अपना बैठाया है। ये कह रहे हैं कि जन्मदिन तो एक बहाना था, सिर्फ ये था कि भाई और बेटे को फिर से मिलाना था, लेकिन आज भी ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। लेकिन यहाँ ये जरूर देखा जा सकता है कि मतभेद बहुत है लेकिन मनभेद नहीं हुआ है। तो कपिल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि 2016 में परिवार बिखरा था, उसे पूरी तरह से, एक कहते हैं ना कि जब एक माला टूट जाती है मोती बिखर जाते हैं और फिर चाहे आपकी जितनी भी जोड़ने की कोशिश कर ले लेकिन गांठें पड़ जाती हैं, कुछ यही हाल समाजवादी पार्टी में देखने के लिए मिल रहा है कि माला टूट गई है, मोती बिखरे हुए, उन्हें पिरोने की कोशिश मुलायम सिंह यादव बहुत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पिरो पा रहे हैं। हो सकता है कि बेटे की जिद हो या फिर भाई की जिद हो, कुछ भी हो सकता है। लगातार मेरे मेहमान मेरे साथ बने हुए। कपिल जी मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इसके सियासी मायने क्या हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव मंच से बोल रहे हैं, संकेत क्या है और संदेश क्या है? देखिए संकेत भी यही है और संदेश भी यही है कि अब हमारे प्रदेशवासियों को, हमारे देशवासियों को विप्लवकारी नीतियों से देश को बचाना है और ये तभी हो सकता है जब आप सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ें और सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन के लिए होना चाहिए। नवयुवक ही क्रांति लाता रहा है, नवयुवक ही क्रांति लाएगा, हमारे इस देश का किसान क्रांति लाएगा, हमारे नौजवान क्रांति लाएंगे, हमारी महिलाएं क्रांति लाएंगी। और जिस तरीके से इनकी उपेक्षा इस सरकार के अंदर हुई है उसे वो भुला नहीं सकते हैं और निश्चित 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से आएगी। किसी चीज का संदेह मुलायम सिंह यादव और बहुत ही अच्छा उनका दबदबा रहा है हमेशा से ही, क्योंकि जैसे कि आपने अभी कहा कि धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन 2016 में क्या हुआ था, परिवार बिखर गया था जिसका खामियाजा जो है 2017 में अखिलेश यादव को भुगतना पड़ा। 2022 के लिए मुलायम का प्रभाव कितना पड़ेगा?
देखिए माननीय नेताजी का प्रभाव जब से ही उन्होंने राजनीतिक पटल पे अपने आप को स्वयं उकेरा है और बड़ी मेहनत से, वो तो किसान पुत्र हैं, वो खुद में स्वयं में किसान रहे हैं और उन्होंने जो है शिक्षण का कार्य भी किया है, वो शिक्षक भी रहे हैं समाज के लिए, तो उन्होंने निश्चित रूप से कुछ काम किया था तो आज इस जगह तक पहुंचे हैं। और आज हमारे संरक्षक हैं, उनकी नीतियां जो बनाई हैं, उनके निर्देश जो होते हैं, वो हमारी पार्टी अफसरसा कामाबाई पुलिस स्टाफ उसका पालन करती है। और निश्चित रूप से नेताजी यूं ही धरती पुत्र नहीं रहे हैं, और नेताजी को या तो आप सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही समझते होंगे या फिर माननीय नेताजी के नाम से, मुख्यमंत्री जी के हमारे पूर्व, तो आप इस बात को समझें कि उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति को देश के पलक पर सर्वोपरि रखा है, और जब यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति सुधरती है तो देश अपने आप सुधर जाता है, क्योंकि 4-5 छोटे राज्य हमारे उत्तर प्रदेश में समाहित होते हैं। माननीय नेताजी ने हमेशा इसको पिरोने का काम किया, और जो बात आप 2016 की कह रहे हैं, नेताजी ने स्वयं माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात का आशीर्वाद दिया है कि उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए सत्ता की तिलांजलि दी। कपिल जी ठीक है, आपकी सारी बातें मैं मान रही हूँ और ये सही भी है। देखिए मुलायम सिंह यादव हमेशा से ही जुड़ने की राजनीति जो है वो करते रहे हैं, लेकिन 2017 में और 2019 में अखिलेश के हाथों से जो सपा के कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो बहुत सालों से पार्टी में बने हुए थे, कुछ ऐसी सीटें थी जो खिसक गए हैं, इसका जिम्मेदार आप नहीं? नहीं एंकर 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 अच्छा कनेक्टिविटी खत्म हो जा रही है। कपिल जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? कपिल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आरके जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से अभी कपिल जी कह रहे थे कि भले ही कुछ भी हो, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव हमेशा इसी नाम से जाने जाते हैं और हमेशा से रहा है मुलायम सिंह यादव का कि वो सभी को एक सूत्र में पिरोते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल मिल रही है। ठीक है कपिल जी आपके पास लौटूंगी। एके जी अभी कपिल जी को आप सुन रहे हैं, हमने देखा है कि आज जो है मुलायम सिंह यादव का जन्मदिवस है और इसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि एक जन्मदिन की बधाई उनको बनती ही है, दूसरी तरफ इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं? एके साहब आवाज आ रही है मेरी? मेरे से पूछ रहे हैं? जी हाँ आरके आरके जी आरके साहब आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही। देखिए मैं सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं जी उनका जन्मदिन है आज, निश्चित तौर पर आपको उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस तरह से इतने बड़े नेता है वो देश प्रदेश के कम से 3 बार शायद चीफ मिनिस्टर रहे, 3 बार, और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चेहरा है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। देखिए हर एक पार्टी का अपना जो संस्थापक होता है एक बहुत बड़ा चेहरा होता है, और निश्चित तौर पर जहां तक बात है जो उनके फॉलोअर्स भी होते हैं, उनके अनुयायी भी होते हैं, निश्चित तौर पर होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए घर का झगड़ा, मैं यहाँ पर कोई लुत्फ उठाने की यहाँ पर कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा और कोई राजनीति नहीं करूंगा। घर और परिवार जितना संभला रहे, जितना व्यवस्थित रहे, सुव्यवस्थित रहे, निश्चित तौर पर अगर आप समाज का, अगर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो एक अच्छा संदेश जाता है, इसमें कोई दो मत। आज अगर वो साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है, चाचा हो चाहे भतीजे हो चाहे मुलायम सिंह खुद हो, आज अगर साथ आते हैं तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा, इसमें कोई दो मत। देखिए लेकिन जहां तक बात है सियासी मायने जी, हाँ निश्चित तौर पर देखिए देश की जो व्यवस्था है या जो प्रदेश की व्यवस्था है, निश्चित तौर पर 2017 में जब जोगी जी प्रधान मुख्यमंत्री बने और निश्चित तौर पर जो प्रदेश की जो कानून व्यवस्था थी, जहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, शिक्षा की व्यवस्था थी, निश्चित तौर पर जैसे किसानों के, एक बात बताइए कि 2017 में 2016 में परिवार बिखरा समाजवादी पार्टी का, 2017 में फिर अखिलेश यादव नहीं आए, 2019 में भी कोई खास सीटें नहीं मिली, जो थी वो भी खिसक गई, तो 2022 में मुलायम सिंह यादव अब आ चुके हैं मंच से, बेटे के लिए जनता से अपील कर रहे हैं, तो क्या इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा? क्योंकि जब जब मुलायम सिंह स्टेज पर आते हैं तो इसका असर बहुत गहरा जाता है जनता के बीच। देखिए मैं सबसे पहले वही चीज कहना चाहता हूँ, देखिए 2016 में परिवार बिखरा, जो 2017 में अखिलेश जी नहीं आए, लेकिन मेरा एक ही कहने का मतलब है, 2017 में जिस तरह से उन्होंने नारा दिया था जो कि मेरा काम बोलता है,
तो निश्चित तौर पर जनता ने नकारा। देखिए एक व्यक्ति का आप अगर व्यक्तित्व देखें, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो मिश्रा जी। जी जी मिश्रा जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव पर जनता बहुत ज्यादा भरोसा करती है, उतना प्यार शायद अखिलेश यादव से नहीं करती। तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी विषय पे आ रहा हूँ। निश्चित तौर पर जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत कुछ प्रभाव डालता है, लेकिन जहां तक बात है जो 4.5 साल के अंदर में जो प्रदेश की जो व्यवस्था रही है, जहां पर कानून व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, मैं हर एक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, वहां पर जिस तरह से काम हुआ है और जिस तरह से काम का ग्राफ बढ़ा है, जितना निवेश हुआ है, जिस तरह से टूरिज्म वहां पर इतना बेहतर तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया गया है यूपी में, निश्चित तौर पर उस चीज को जनता देख रही है। आपने देखा जो कि किसान आंदोलन के जो हुआ भी, वहां पर जाकर के प्रधानमंत्री खुद इस चीज को इनिशिएट ले। देखिए बड़े लीडर वही होते हैं जो आगे आकर के अगर कुछ चीज को वो अपने आप जो है स्वीकार करते हैं, तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा नेता तभी कहा जाता है जो कि हर एक। मिश्रा साहब कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का दबदबा तो हमेशा रहा है, लेकिन अखिलेश को जनता उतना ज्यादा प्यार नहीं करती है जितना मुलायम सिंह यादव को करती है। देखिए माननीय मिश्रा जी का अपना एक विजन है और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता और प्रवक्ता है, तो उनको तो अपने ही नेता में सब कुछ दिखाई देगा ना। और दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं 2012 भी है, नहीं 2017 में अखिलेश जी चले गए, 2016 में जब परिवार बिखरा तो अखिलेश जी चले गए, 2019 में अपनी सीटें चली गई उनके हाथ से। आपने एक चीज शायद नहीं देखी, वो हम कम से कम दर्शन करा दें। 2012 के चुनाव को अगर आपने करीने से देखा होगा तो आपको याद होना चाहिए जो आज विजय रथ चल रहा था वो उस समय भी चला था और माननीय अखिलेश यादव जी ने लेकर के वो निकले थे और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चला था और अभूतपूर्व रूप से 2012 में उनको समर्थन प्राप्त हुआ था। नेताजी ने यहाँ तक कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जो को मुख्यमंत्री घोषित किया तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि आज अखिलेश जी की अपनी मेहनत ने इतनी सीटें लाई हैं और चाचा जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया था और स्वयं इस चीज को माना था कि उनके नेतृत्व में ही 2012 के इलेक्शन के अंदर जो है वो हम लोग विजय रथ लेकर के निकले थे। तो उस समय हमने सरकार बनाई थी, आज हम पुनः लेकर के निकल रहे हैं, आज हम पुनः निकल के लेके निकल रहे हैं और जिस तरीके से अद्वितीय रूप से पूर्वांचल के धरती पर और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। यही तो बात है कि अखिलेश यादव अकेले कुछ नहीं, पिता या चाचा के साथ हैं जो कुछ हैं। और दूसरी बात आपने अभी कही कि 2012 में जब ये मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे लेकिन एक नेता नहीं बन पाए थे, नेता बनने में उन्हें समय लगा। देखिए एक बात मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि जब माननीय नेताजी के द्वारा 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई और उसके बाद से जिस तरीके से संघर्षरत रही हमारी पार्टी और तीन बार उससे पूर्व और चौथी बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, इसमें कहीं दो राय नहीं है क्योंकि पुत्र की कोई भी ख्याति जो होती है बिना पिता के पितृत्व के नहीं होती है। वो चाहे कोई हो, कोई राजनीति में उसका पिता हो या ना हो, वो अपने आप को पिता से अलग कैसे कर सकता है। और एक पिता का सभी का सपना होता है कि उसका पुत्र हमसे बड़ा निकले, इसकी वो कामना करता है, यही संस्कार देता है। तो ये भारतीयता की बात है, अगर कोई ना समझ सके तो बहुत दुख की बात है, इसको पॉलिटिक्स के वजह से नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि परिवार अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। राजनीति में आप अलग अलग विचारधारा की भी चीजें हो सकती हैं, आपकी नीतियां अलग हो सकती हैं, आप एक दूसरे से सहमत और असहमत हो सकते हैं, यही तो लोकतंत्र की मर्यादा और खूबसूरती है। और दूसरी चीज कोई भी व्यक्ति जनता के सवाल है कि अखिलेश यादव अकेले दम पर नहीं आ रहे हैं सत्ता में, मुलायम सिंह यादव का हाथ उनके हाथ में होगा तो फिर वो सत्ता में आएंगे। और जो आपने जवाब अभी सवाल किया उसका जवाब मैं मिश्रा जी से जानना चाहूंगी। मिश्रा जी, जैसे कि अभी कपीर जी कह रहे हैं कि सबका विजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा है और जनता पूछ रही है कि मुलायम सिंह यादव जो है वो मंच पर आ गए हैं, इसका सीधा फायदा अखिलेश को होगा क्योंकि ऐसा हुआ 2012 में हुआ, लेकिन 2017 में जब परिवार के बीच फूट पड़ गई तो 2017 में सिरे से नकारा गया अखिलेश यादव को। देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप परिवार साथ आ जाए, परिवार जैसे पहले बिखर गया था साथ है, मेरी शुभकामना बिल्कुल है, लेकिन आपका देखिए पार्टी का जो सिद्धांत है और पार्टी का जो क्रियाकलाप है जनता उसी का आकलन करती है, न कि अगर अखिलेश जी अगर मुलायम जी के साथ अगर आ जाए
या अखिलेश जी मायावती जी के साथ जाएं, अखिलेश जी अगर प्रियंका गांधी जी के साथ जाएं, इससे आपका सिद्धांत बदल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके जो क्रियाकलाप होते हैं, आपके जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण होता है, वो बिल्कुल आपका जो है सो नजरिया, वो पार्टी का विजन होता है, न कि आप किसके साथ हैं किसके नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, बड़ी शुभकामना है मेरी जो कि अखिलेश जी पिताजी के साथ आए, चाचाजी के साथ आए, निश्चित तौर पर हमारी शुभकामना रहेगी, तो बहुत असर, लेकिन जो पार्टी का दृष्टिकोण है 2022 में खतरा हो सकता है बीजेपी के लिए, ये कहने से पीछे नहीं हटूंगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको अभी भी स्पष्ट कर देता हूं जो कि इस तरह का कोई खतरा नहीं है, बल्कि आप ये समझेंगे जो कि इससे और बेहतर ही छवि भाजपा की वहां पर प्रदेश में आप देख पाएंगे। मैं कह रहा हूँ 303 सीट, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा की बात कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पर ये चीज जनता के बीच की चीज है। जब जब चुनाव आएंगे, जब रिजल्ट आएगा, उस पे चर्चा भी करेंगे, इस पर आपको मैं अपनी चर्चा में जरूर बिठाऊंगी। कपिल जी, शिवपाल यादव, लग रहा था कि आज मंच पर तीनों दिखाई देंगे, लेकिन शिवपाल यादव नहीं दिखाई दिए, अलग सेफाई में केक काट रहे हैं नेताजी का। कपिल जी देखिए एक बात बताएं, हम और आप क्या देखना चाहते हैं ये एक अलग की चीज है, हमारी मंशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है। मंशा ही जाने की कोशिश कर रही हूं कपिल जी, वही मंशा। नहीं नहीं वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, हमें इस मंशा में कोई अलग चीजें नहीं दिखती। हमें इसलिए नहीं दिखती कि किसी व्यक्ति की कहीं व्यस्तता हो सकती है, कोई व्यक्ति कहीं भी किसी का जन्मदिन मना सकता है, वो भी वो अपने भ्राता का मना रहे हैं, उनके ज्येष्ठ हैं और उनका रिश्ता है, उसको किसी के लाठी से मारने से टूटेगा नहीं। तो कपिल जी समझ लें, आप राजनीतिक एंगल से ना देखें, समझ लें कि चाचा भतीजे एक साथ नहीं आने वाले, समझ लें हम। नहीं ये कैसे समझ लें, हम क्यों कह दें कि नहीं आने वाले? और सबसे बड़ी बात, माननीय शिवपाल यादव जी ने या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा कि हम एक साथ नहीं आने वाले। ये तो शुरू से हो रहा कि हम एक ही साथ हैं, एक साथ लड़ेंगे चुनाव, ये वो भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, और हम तो सीधी बात कह रहे हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी के विनाश लीला को रोकना, उन्हें साथ आना पड़ेगा। जब हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगी, जब आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगी तो वहाँ चाचा और भतीजे का रिश्ता नहीं होता, वहाँ एक पार्टी का पार्टी से गठबंधन होता है, और पार्टी से पार्टी का गठबंधन जब होता है, नहीं क्यों नहीं होगा? अच्छा मतलब क्यों अभी आप पहले ही मतलब अभी मान के रखे कि अभी आसार है। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव खत्म हो गया, अधिसूचना जारी हो गई, मैं वही आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ, आगे उम्मीदें हैं, हम ही मान कर चले। अरे उम्मीद का दामन थामे रखिए, उम्मीद का दामन थामे रखिए, उम्मीद पे ही तो दुनिया टिकी है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब समान सोच है, नहीं सुने, जब समान सोच है, एक दृष्टिकोण है, एक तरह का विजन है, नीतियों में कहीं अगल बगल की चीजें खामियां हो सकती हैं, एक दूसरे से आदमी विचार से अलग हो सकता है नीतियों पर, वैसे तो सैद्धांतिक विचारधारा हमारी एक है। और बात रह गई जहां तक गठबंधन की, तो वहां चाचा और भतीजे का रिश्ता नहीं होता, वहां एक पार्टी का पार्टी से गठबंधन होता है, और गठबंधन सिर्फ एक ही बात से तय नहीं होता, उसमें तमाम सी चीजें होती हैं जिनका तालमेल देखा जाता है कि 403 सीटों में कितनी हमें कहां देनी है, कौन कहां से मांग रहा है, कैसे तारतम्य बैठेगा, कौन हम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, तमाम चीजों पर चर्चा होती है। पुरानी गलतियों से इस बार हम सीख ले लेंगे, आगे ना दोहराएं वो गलती, बात गलती की नहीं है, ना ना बात गलती की नहीं है, राजनीति के अंदर हम तो नहीं समझते कि कभी कोई गलती होती है। अगर अटल जी के समय में 2004 में इंडिया शाइनिंग हो रहा था, तो फिर उसका परिणाम था कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो साफ हो गई भारत की राजनीति और राजनीति पटल से। तो इसका मतलब मान लें कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनको देश की जनता नहीं सराहती थी? नहीं, वो तो बात इस चीज पे नहीं होती, राजनीतिक पटल अलग की चीज है, राजनीति में तमाम निर्णय लिए जाते हैं जो कभी जनता की दृष्टि से सही और कभी गलत साबित होते हैं, लेकिन ये जनता की दृष्टि से गलत साबित होते हैं। चलिए जी, हम जिन नीतियों को लेकर चलते हैं, लग रहा है कि अभी मनाही है कि अभी कुछ नहीं बोलना है गठबंधन पर, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, आपकी बातों से जरूर लग सकता है कि अंदर खाने कुछ भी बदलाव हो सकता है। हम साथ लड़ेंगे, हम तो कह रहे हैं। चलिए ठीक है, हम तो कह रहे हैं, इतना जल्दी जल्दीबाजी में ना आया जाए, हम सारे लोग एक विचारधारा के लोग हैं, कहां अलग होकर के चाचा जी जाएंगे, कहां हम जाएंगे? न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की तरफ से हम मोहर लगा देते हैं कि अभी वक्त लगेगा, लेकिन साथ जरूर आएंगे चाचा और भतीजे।
बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं, ठीक है। इसको भाजपा के विनाशकारी लीला को रोकना है, उसे समाजवादी पार्टी के साथ। समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट मैं आरके मिश्रा जी से लेना चाहूंगी। आरके मिश्रा जी क्या कहेंगे आप? देखिए निश्चित तौर पर जो कपीश जी कह रहे हैं उनका पार्टी का अपना दृष्टिकोण है, आप लेकिन अपने दृष्टिकोण से आपको असर पड़ेगा, आपको बहुत असर पड़ेगा। लेकिन उससे कोई, देखिए मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। कौन किसके साथ खड़ा है, इससे पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारे प्रयोग किए गए थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो उसका अपना एक आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना है। बड़े बड़े चेहरे आज भी नड्डा साहब पहुंचे हुए हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो कि मैं कह रहा हूँ पार्टी का एक आधारभूत संरचना है, और उसी संरचना, उसी दृष्टिकोण, उसी आधारभूत जो सिद्धांत है उसी के ऊपर चला जाता है, और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये मैं आपको चैनल के माध्यम, लेकिन डर है और वो डर बना रहेगा, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो ये विजन है मुलायम सिंह यादव का, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। जन्मदिन के मौके पर खास संदेश उन्होंने दिया है कि नौजवान अब सीधे जवाब देगा, यानी कि अब मुलायम सिंह यादव जो है बेटे का हाथ दामे मंच पर खड़े हुए हैं, और इसी का असर अब आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ पर सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी आप रुकिए, इंतजार कीजिए, चाचा और भतीजे साथ आ सकते हैं। अगर चाचा भतीजे साथ आएंगे तो वाकई इसका असर जो है बीजेपी को देखने के लिए जरूर मिल सकता है। कड़ी मेहनत बीजेपी को और फिर करनी पड़ सकती है। फिलहाल चलता है, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।